हेलो दोस्तों, तो आज के नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ईग्राम सर्च पोर्टल में 15 फिनांस का फंड रिसीव कर सके, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें फ़ंड मिलता है उसको कैसे हम ईग्राम सर्च पोर्टल पे एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काम का है, तो इसको एकदम आखिर तक देखना। और एक बात दोस्तों कि आप शायद नोट कर रहे होंगे कि मैं कुछ दिनों से आप सारे आपका जो कमेंट्स आ रहा है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं इस संडे एक क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का एकदम सटीक जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पिक करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ईग्राम सर्च पे आना है और यहाँ पे हमें मेकर लॉगिन से लॉगिन करना है। तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहला जो काम करना होगा, हमें डे बुक को क्लोज करना होगा। सपोज आज 9 तारीख है तो हमें 8 तारीख तक डे बुक को क्लोज करना है। तो सबसे पहले पीरियड एंड प्रोसीड्योर पे आइए, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और सबसे पहले यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट कीजिए, तो मैं सबसे पहले 15 फिनांस कमीशन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद क्लोज डे बुक। यहाँ पे देखिए, मैं 8 तारीख तक डे बुक क्लोज कर रहा हूँ 15 फिनांस के लिए। अगर आपका 14 फिनांस कमीशन भी ईग्राम सर्च पोर्टल में अवेलेबल है तो आपको 14 फिनांस के लिए भी डे बुक को क्लोज करना होगा। देखिए, 14 फिनांस के लिए मैं 8 तारीख तक क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको वाउचर ट्रांजेक्शन में आना है, फिर रिसीव वाउचर, उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। तो ऐड पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले रिसीव टाइप डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद स्कीम सिलेक्ट कीजिए, स्कीम नेम 15 फिनांस कमीशन, उसके बाद मनी रिसीव नंबर, एमआर नंबर आप यहाँ पे पुट कीजिए, अपने पंचायत के एमआर नंबर यहाँ पे पुट कीजिए। उसके बाद वाउचर डेट, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा करेंट डेट ही होना चाहिए। उसके बाद स्कीम और कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए अकाउंट हेड पे जाइए, सबसे पहले कीजिए बेसिक ग्रांट अनटाइड, उसके बाद मेजर हेड सिलेक्ट कीजिए ग्रांट इन एड, माइनर हेड ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्जेक्ट हेड को सिलेक्ट कीजिए ग्रांट इन एड, और अमाउंट की जगह पे जितना भी अमाउंट आपने रिसीव किया है लिख के सबमिट कीजिए। उसके बाद देखिए अमाउंट को एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद देखिए रिसीव फ्रॉम एजेंसी सिलेक्ट कीजिए, एम्प्लॉय नेम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लिखिए, और रिसीव इन बैंक होगा ये अमाउंट, सॉरी अकाउंट नंबर, आपका जीपी का अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिए, रिसीव डिटेल्स डायरेक्ट ट्रांसफ़र सिलेक्ट कीजिए, ट्रांजेक्शन आई डी आपका पासबुक अपडेट कीजिए, वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन आईडी है तो उसको लिखिए, नहीं तो डेट को लिख दीजिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रांसफरिंग बैंक नेम, जिस बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र हो रहा है उसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पे ICICI दे दिया। और पर्टिकुलर्स पे आपको लिखना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइड या फिर अनटाइड या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आपको लिखना है, उसके बाद टाइड या अनटाइड फंड उसको लिखना है, फिर आपको सिंपली फ्रीज पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, वाउचर नंबर समथिंग सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपका रिसीव सक्सेसफुली एंट्री हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी आसान प्रोसेस है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।